नमस्कार, मैं हूं जय भारद्वाज और आप देख रहे हैं द ऑस्ट्रेलिया टुडे। आज हमारे साथ रामनवमी के इस पावन अवसर पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग आते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उन सबसे बिल्कुल अलग हैं। उनका काम जो उनका डे जॉब है वो भले ही कुछ और हो, मगर जिस वजह से वो हमारे साथ हैं वो बेहद खास है और इसीलिए उनको वो खास भी बनाता है। शायद ऑस्ट्रेलिया भर में कम से कम मैंने नहीं देखा ऐसा आदमी जो डेडिकेशन से ये काम करता हो और हर हफ्ते वही चीज रिपीट करता हो और वो भी पूरे ऑस्ट्रेलिया भर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मित्र रूपा रेलिया जी की। वो स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और एक खास वजह से उनकी मशहूरी है, उनका नाम है, उनको लोग जानते हैं और अपने घर में बुलाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है लोग किसी को अपने घर में बुलाएं। मित्तल जी, सबसे पहले द ऑस्ट्रेलिया टुडे में आपका स्वागत है। जय श्री राम जी। जय श्री राम, थैंक यू। मित्तल भाई करते क्या हैं? चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर बता दूं, मित्तल रूपरेलिया एक वह व्यक्ति है जो हर शनिवार को ऑस्ट्रेलिया भर में किसी ना किसी घर में, किसी ना किसी जो देवालय है वहां पर हनुमान जी की आरती और श्री सुंदरकांड का पाठ करते हुए पाए जाते हैं। और ये वो लगातार पिछले 15 साल से, जब से वो ऑस्ट्रेलिया में आए हैं तब से कर रहे हैं। मित्तल भाई, सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे कर पाते हैं, कहां से आती है वो ताकत जो आपको दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल ये करने को प्रोत्साहित करती है और ताकत देती है? सबसे पहले तो भैया थैंक यू सो मच। और ये ऐसा है कि छोटी सी उम्र से माँ बाप ने ये हमें ज्ञान प्रदान किया था। मेरे पिता श्री एवरीडे 51 टाइम हनुमान चालीसा करे बिना कभी नहीं सोते थे और मेरी मातोश्री भानुबेन नरेंद्र भाई रूपारेलिया एवरीडे सुंदर कांड करती थी और राम नाम लिए बिना कभी नहीं सोती थी। तो छोटी उम्र से ही हमें ये आशीर्वाद दिया है और उन्होंने ही पास से हमें सीखा है। तो माँ बाप के आशीर्वाद और बजरंग बली के आशीर्वाद से बस अब ऐसा है कि पूरे परिवार को खून खून में, रण कण कण में पूरा ये सुंदरकांड उतर चुका है। तो वो जैसे ही करने बैठते हैं तो वो ऑटोमेटिक इतना प्रेरणा मिलती है और इतनी एनर्जी मिलती है कि सुंदरकांड पूरा करने के बाद ऐसा होता है कि जितना बोलो तो ना काम कर ले, इतनी एनर्जी हमें मिल जाती है। तो वही दादा अपने को प्रदान करते हैं। चलिए, आप ये करते हैं ये तो हम लोगों ने जान लिया है, मगर ये करने वाला, जो सुंदरकांड करने वाला इतने डेडिकेशन से जो व्यक्ति है, उसके पीछे की कहानी एक बार हम लोग अपने सुनने वाले को, दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो जरा बताइए, मित्तल रूपरेलिया कौन है, कहाँ से आए, ऑस्ट्रेलिया में कब आ गए, कैसे आ गए और कैसे प्रेरित होते रहे? मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2007 में 25 सितंबर को, और इंडिया में तो रोज सुंदरकांड करते थे मम्मा के साथ बैठ के, एवरी डे लगातार काफी साल इंडिया में कर ही रहे थे, एक भी दिन मिसिंग नहीं करते थे। फिर यहाँ आए और लोगों से मिलना जुलना बढ़ता जा रहा था और फिर मैंने शुरुआत की तो कुछ कुछ घरों में धीरे धीरे लोग बोलने लगे कि हमारे घर पे भी आके करो, हमारे घर पे आके भी करो। फिर उनके वहाँ किसी ना किसी को लोग इनवाइट करते थे कि हमारे घर पे ऐसे सुंदरकांड हो रहा है, तो वहाँ ऐसे इकट्ठे होने लगे। तो 2009 से तो ऐसा हुआ है कि कंटिन्यूस फिर हमने वहीं पे हनुमान दादा का जन्मोत्सव मनाया 2009 में, घर से मनाया, क्योंकि 2007 में आए थे, 2009 में खुद के घर में इधर आ गए तो शुरुआत कर दी। तो लोगों ने ये मुझे बोला कि आप घर से कर रहे हो और हमें नहीं बुलाया, तो भैया क्या हमसे कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है तो बताओ। मैंने बोला नहीं, तो बोले नेक्स्ट ईयर से हम लोग हॉल हायर करेंगे, आप हम सब वहां मिलके करेंगे। तो ऐसे ही लोगों के वहां सुंदरकांड होता है तो लोग देखते हैं तो अपने बच्चे के जन्मोत्सव पे, अपनी एनिवर्सरी पे, या तो कोई घर लेता है या पेरेंट्स आते हैं, तो हर बंदा अपने घर पे एडवांस में बुकिंग कराने लगा है। तो अभी ऐसा हो चुका है कि 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग पूरी सैटरडे बुक हो ही पड़ी है। जो लोग मेरे तरह से थोड़े से कम जानकार हैं
उनके लिए अगर आप बता पाए कि महत्व क्या है, सुंदरकांड क्या होता है और इसका असर क्या होता है, क्यों ये किया जाता है, जरा ये और बता दें मित्र भाई। जरूर जी। सुंदरकांड रामायण के जो 7 भाग है उसके अंदर में एक पाठ यह है सुंदरकांड, जो इतना सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने सुंदर तरीके से उसको रचा है, जिसमें पूरी रामायण कवर कर लेते हैं। और उसमें जहां से शुरुआत रामायण का होता है, जहां से तुलसीदास जी आ रहे, कैसे उनको प्रेरणा मिली है, कैसे क्या अनुभव हुए, माता रानी को जब वनवास के बाद जहाँ पे लंका में गए उनको क्या दुख हुआ, उन्होंने क्या पीड़ा ली, उन्होंने कितना भगवान जी को मिस किया है, कैसे फिर उसके बाद वो लंका पहुंचने के लिए पूरा ब्रिज जो बनाया उसके पहले भगवान को पास जाते हैं, कैसे वो दिखाते हैं कि माता कितनी विलंबित है कि आपके बिना और वो कितने दर्द में है, वो पूरा सुंदर कांड में पूरी रामायण पूरी रच दी है। तो ये इतनी सुंदर तरीके से रची है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे अनुभव भी है और जहाँ कहे होते हैं कि लोग 25वां अध्याय के बाद दोहा के बाद लोगों के आंख में आंसू रुकते नहीं है, इतनी हमें इतनी फीलिंग्स मिलती है कि मेरे पास सब। और मित्तल भाई, जो सुनने वाले हैं उन पे क्या असर होता है, जो हमारे आसपास का वातावरण है उस पर क्या असर होता है इसका? जो सुनने वाले हैं वो लोग तो मुझे हर सैटरडे ऐसा ही बोलते हैं कि ये 2 घंटे कब पूरे हो गए, इतने मग्न हो जाते हैं सुंदरकांड जब आप गाते हो और तब शुरुआत से लेके 2 घंटा कब खत्म हो गया हमें पता नहीं चलता है, और इतनी खुशियां मिलती है, उतना रिलैक्सेशन मिलता है कि शब्द नहीं। और अगर मेरे जैसा कोई आपसे रिक्वेस्ट करना चाहे कि आप हमारे घर पे आए या सुंदरकांड का पाठ कराना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है, कैसे आपसे बातचीत की जाए? इसका प्रोसेस में ये है कि लोग कांटेक्ट करते हैं कि भैया कौन सी डेट अवेलेबल है, या तो फिर हम उसको पूछते हैं कि कब करवाना चाहते हो, तो जो भी अवेलेबल डेट होती है तो वो भी हम उनको बता देते हैं। वो पूरी ऑस्ट्रेलिया वाइड हम पाठ करने जाते हैं, साल में एक बार जैसे कैनबरा, सेपार्टन, जो भी छोटे टाउन है वहां पर भी प्रोग्राम से होते हैं। इसके लिए लोग फिर हमें ये भी पूछते हैं कि हमें क्या तैयारी करनी होगी, आपका कितना चार्ज होगा, हमें क्या हमें भेंट रखनी होगी, हम सबकी बातें सुन लेते हैं। बट हमने तो इसके लिए कोई भी उसका कोई चार्ज किसी से भी लेते नहीं है। हम हर एक बंदे को बोलते हैं बस हमें गुणगान गाना है प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का और हनुमान जी के, ये जो हम सुंदरकांड करते हैं वही करना है, इसका कोई स्पेशल चार्ज नहीं है। हम यहाँ से घर घर जाते हैं, हमारे साथ प्रोफेशनल बजाने वाले भी होते हैं और साथ में साउंड सिस्टम भी होती है, सब कुछ हम हमारी तरफ से प्रिपेयर करके जाते हैं। जी बताए। और कोई कहीं पे भी $5 रखे या $50 रखे या $100 रखे, वो हमने यहाँ पे धर्मेंद्र रागा सुंदरकांड पूरा परिवार नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर में वो हम रख देते हैं कि जो भी कुछ छोटा मोटा मेंटेनेंस होता है तो उसी में से चलता रहता है। एक और बात है कि क्या ये मेलबर्न विक्टोरिया में ही आप करते हैं या और भी कहीं आपको रिक्वेस्ट की जा सकती है? हम लोग जैसे अभी 2 हफ्ते पहले ही मैं एडिलेड में पार्ट करके आया, नेक्स्ट मंथ में 11th of May को कैनबरा में होने वाला है, जून एंड में यहाँ जो मेलबोर्न से नजदीक में सेपार्टन है वहां होने वाला है। तो हर महीने एक प्रोग्राम हमने मेलबोर्न से बाहर जाके देने का डेट दिया हुआ है, पूरी ऑस्ट्रेलिया वाइड जाते हैं हम लोग। तो अभी जो ऐसा मुझे बताया गया कि आपने पिछले इतने सारे सालों से कर रहे हैं, तो इस बार इस रामनवमी के अवसर पर कुछ खास अवसर है, कुछ खास पर्व आप मना रहे हैं, तो क्या है जरा वो भी बताइए हमारे सुनने वाले। इस बार सभी कम्युनिटी वर्ग जो जितने भी है, जैसे समझ लो कि ब्राह्मण समाज हो गया, पटेल समाज हो गया, और हैदराबाद से जो तेलुगु एसोसिएशन है, वो सभी के वहाँ बहुत बार पाठ होता रहता है, तो सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया है और सहयोग दिया है और बोले है कि ये 15 साल से जो लगातार आप यहाँ पे एवरी सैटरडे अपने कीमती समय जो दे रहे हो, आप अपने धर्म पत्नी अपने बच्चों के साथ जो घर घर आप आ रहे हो, तो इस बार कुछ अलग लेवल पे ही सुंदरकांड का प्रोग्राम होने वाला है,
सब मिलजुल के हनुमान दादा का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं, जिसमें वहां पे बच्चों की एक्टिविटी भी रखी गई है, पूरा प्ले एरिया हायर किया गया है, वहां से पूरे लाइव भी करने वाले हैं। पर लोग इतने खुश हैं कि लोग जब मुझे स्पेशल फोन करके बोलते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारे से जो सेवा हो सकती हो हमें बताइए, हम करना चाहते हैं। तो ये कहाँ होने वाला है, जो स्पेशल पार्ट है, किस तारीख को होने वाला है और कहाँ होने वाला है, जरा हमारे दर्शकों को बता दें। ये प्रोग्राम इस बार 27 अप्रैल को वेस्ट गेट इंडोर स्टेडियम है, अल्टोना में। बहुत बड़ी फेमस जगह है और काफी बड़ा एरिया है जहाँ हजारों लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था है, किचन भी है, तो वहाँ पे इस बार प्रोग्राम होने वाला है। वहाँ पे हम लोग 3 से 4 बजे के बीच में 56 भोग का दर्शन रखते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो हमने हनुमान दादा की गादी विराजमान की है, तो उनके पावन पगला, उनकी गदा, उनके चामड़ के दर्शन वहाँ पे खुला छोड़ने वाले हैं, जो हर बार करते हैं। और 4 बजे से लेके 6:30 के दरमियान लाइव सुंदरकांड होने वाला है वहीं पे, जो हमारे साथ प्रोफेशनल म्यूजिक टीम जो बजाने वाले वो भी करने वाले हैं। और साथ में वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों लैंग्वेज में बुक भी उपस्थित की गई है कि जिसके कारण जो भी कोई इंग्लिश पढ़ सके वो इंग्लिश से पढ़े, पर सब मिलजुल के सुंदरकांड करेंगे। और 6:30 से 7 बजे के बीच में वहाँ पे दादा का जन्मोत्सव है, थोड़ा वेलकम भी करते हैं और बच्चों को एंकरेज करने के लिए केक कटिंग बच्चों के हाथ से करवाते हैं और हम भारत देश का वहाँ पे राष्ट्रगान करते हैं। पूरा सभी लोग वहाँ खड़े होके वहाँ एक साथ राष्ट्रगीत करते हैं। और 7:00 से 9:00 के बीच में वहाँ पे प्रसाद और महाप्रसाद का आयोजन होता है और साथ में वहाँ पे डांडिया रास और सब नाच गान का प्रोग्राम चलता है। तो पर्व का जो उपलक्ष्य है वो हनुमान जयंती का है। हाँ जी। क्या होती है हनुमान जयंती, जरा ये भी बताएं। बस दादा का जो जन्मोत्सव है तो उसको उसी तरह से मनाया जाता है और बच्चों को हम लोग इतना एंकरेज करके रखते हैं कि भाई जन्मोत्सव होता है तो कैसे करें, तो इसीलिए वहां पे उस दिन राम नाम की भक्ति करते हैं, साथ में सुंदरकांड गाते हैं और बच्चों को इस अपनी चीजों को कंप्लीट हमारे बाद वो भी लोग इसको कंटिन्यूस करें, इसके लिए उनको एक्टिविटी करके वहां पे एकदम आनंद से मनाते हैं। वहां ड्रॉइंग्स देते हैं भगवान जी के कि जिसमें वो लोग कलर लगाए उनमें उनको गिफ्ट दे, जो लोग अच्छी अच्छी एक्टिविटी करते हैं, स्पेशल चाइल्ड केयर वहां खड़ा करते हैं बच्चों को एंकरेज करने के लिए। वहां स्पेशल से क्वालिफाइड चाइल्ड केयर के जो भी बहने हैं तो 15-20 वो लोग वहां पे उपस्थित रहते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि क्या हो रहा है, आज बजरंगबली का प्रोग्राम जो है, जन्मोत्सव है, ये सब हम एक्टिविटी उस तरह से मनाते हैं जैसे हमारा जन्मोत्सव मनाते हैं। आपके आपने अभी हमें बताया कि आपने जो ये स्पिरिचुअलिटी का ग्रहण किया ये अपने माता पिता से किया। हाँ, तो हम सब लोग भारत से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए हैं, ऑस्ट्रेलियन इंडियन हिंदूज के नाते कितना इम्पोर्टेंट है अपने बच्चों को ये कल्चरल शिक्षा, स्पिरिचुअल शिक्षा को दे पाना। ऐसा है कि देखो हमारे अंदर का भाव जो है वो जब हम प्रकट करते हैं तो अपने बच्चों में ऑटोमेटिक ये सब आ जाता है। जैसे मेरे बच्चे हैं तो एवरी सैटरडे उनको पता है कि सुंदरकांड के लिए प्रिपेयर होना होता है, तो हमने बच्चों को ऐसे ही तैयार करके रखा है कि एवरी सैटरडे वो लोग हमें पूछते हैं कि आज कहाँ पे पाठ करने जाने वाले हैं और कौन से टाउन में जाने वाले या तो कौन से सब में जाने वाले। तो जब हम गाड़ी भी लोड करते हैं साउंड वगैरह ले जाने के लिए तो जो जो उठा सकते हैं तो हम बच्चों को सिखा के रखा है, तो बच्चे हमें भी हेल्प करते हैं कि जो हम उठा के रख सकते हैं वो हम करें और हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, वहां पर भी लोड अनलोड में भी हेल्प करते हैं। हमारे बच्चों को इस चीज ये वन टाइप ऑफ मेडिटेशन भी है जो हमारे अंदर में एक स्फूर्ति, रिलैक्सेशन, अच्छी सोच, ये वैसे ऑस्ट्रेलिया में हर एक फैमिली के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमारे अंदर की सोच बढ़िया बनेगी तो लोग फैमिली में एकत्रित होके जिए। नहीं तो घर घर में बहुत सारे ऐसी जगहों पे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं कि बच्चों के लिए मन्नत रखने की कहते हैं, पर हमें खुद को ही पहले चेंज होने की जरूरत होती है। हम जब इसे इस तरह के प्रोग्रामों में इन्वॉल्व होते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश होता है, रिलैक्सेशन होता है,
एक दूसरे के प्रति सुमति बनती है, क्योंकि सुंदरकांड में तो ये बहुत अच्छी बातें बताई गई है और दोहा में बताया गया है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। तो सुंदरकांड में सभी हर एक पंक्ति में अपने परिवार को लेके कैसे जीना है, कैसे यूनिटी रखनी है, कैसे रिस्पेक्ट देना है, चाहे हमारे से छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको सम्मान दो, रिस्पेक्ट दोगे वो लोग भी वही सीखेंगे। जी, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, मित्तल भाई आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे सुनने वालों से जो प्रोग्राम 27 तारीख को है उसके लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को जब शुरू किया था छोटे लेवल से, तो आज वो महोत्सव बन चुका है, तो इसको और बड़े महोत्सव बनाए, सभी लोग हम वहां में हम जुड़े, वहां पे सभी तरह की सुविधाएं रखी गई है। तो 15 साल पूरा हुआ है सभी के साथ सरकार से हुआ है, क्योंकि घर घर जाके पाठ कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा सबको हाथ जोड़ के कि सब लोग आइए अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट के साथ, वहां पे सीनियर सिटीजन की बैठक व्यवस्था भी होती है, बच्चों की बैठने की सुविधाएं रखी गई है, जो बहन बेटिया प्रेग्नेंट है उनके लिए बैठने की सुविधा भी रखी गई है, डिसेबल जो होते हैं उनके लिए भी रखी गई है। बस मिलजुल के इसको और आनंद उत्सव बनाए, इस महोत्सव को और बढ़ाए, मेरा तो बस यही सबको प्रार्थना है और यही रिक्वेस्ट है कि आइए और जोड़िए, क्योंकि मोदी जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया है राम भगवान को लाके अवध में, तो हम इतना तो यहाँ कर ही सकते हैं। और उनका भी वही है कि भाई सब जुड़े और आगे बढ़े और भारत देश का नाम और हम रोशन करें और एक दूसरे को सहयोग करें। मित्तल भाई हमसे बातचीत करने के लिए, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय माता पिता की।